पर असली गेम होता है एग्जीक्यूशन का। आपने कैसे आइडिया पे काम करा है, कैसे रोज वही सेम काम बार बार करते हो और कैसे रोज रोज इम्प्रूव हो रहे हो, और आपको अपने इनकम का कुछ पार्ट अभी से ही स्टॉक मार्केट में अच्छे से रिसर्च करके अच्छे से स्टॉक देख के डालना पड़ेगा और पैसे सेव करना शुरू करना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसा एसेट बताएंगे जो आपका सोचने का नजरिया ही चेंज कर देगा, और 3 ऐसे पॉइंट बताएंगे इसके बिना शायद कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता। पता सबको है, पर जिनको डीपली समझ आ गया ना, तो उनकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। ना ही इन्वेस्टिंग और स्टॉक्स में ये आपकी हेल्प करेगा, बल्कि लाइफ के बहुत सारी चीजों में ये आपकी मदद करेगा और आपकी सोच ही बदल देगा। आजकल के लोगों की सोच है कि मुझे काम नहीं करना, अभी मैं तो 18 का हूँ, कॉलेज के बाद करूँगा। मुझे जॉब नहीं करनी, अभी मैं तो कॉलेज से निकला हूँ, MBA के बाद करूँगा। अभी तो MBA करी है, 1 साल रुक के बिजनेस शुरू करूँगा। अभी तो 30 का हुआ हूँ, थोड़े टाइम बाद इन्वेस्टिंग शुरू करूंगा। सबसे बड़ी गलती जो आजकल के युवा करते हैं, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, शेयर्स, इन सबसे भी बड़ा एक एसेट है जिसे आप समझ गए तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। उस एसेट का नाम है टाइम। मेरे कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया है, अच्छे से घर लिया है, अच्छे से रहते हैं, एक सुंदर बीवी है, 2 क्यूट से बच्चे हैं, 1 ब्यूटीफुल सी गर्लफ्रेंड है, पर सबने ये गलती जरूर करी है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, वही करो जो आपका मन करता है। पर दोस्तों, अगर दुनिया की सच्चाई देखी जाए ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो वो करना सीखो जिसे आप सबसे ज्यादा नफरत करते हो, सबसे ज्यादा हेट करते हो। शॉकिंग ना? मेरा नाम है उदित। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना। आपको एक एग्जांपल से सिखाते हैं, मैं अपनी बात ही करता हूँ। लोगों को लगता है मुझे जिम जाना पसंद है, तभी थोड़ी बहुत बॉडी बना ली, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लोग बोलेंगे ट्रेडिंग पसंद है, तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आती है तो यूट्यूब पे शायद सिखा रहा होगा। मुझे सबसे ज्यादा नफरत ट्रेडिंग से है, पर मैंने शायद सबसे ज्यादा पैसा ट्रेडिंग से ही कमाया है। मैं यहाँ अपनी बढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा, बस आपको ये सिखा रहा हूँ कि लाइफ में हमेशा वो काम करने पड़ते हैं जो आपको पसंद नहीं है। आप में से कोई ऑफिस जाता होगा, कॉलेज जाता होगा, अपना बिजनेस चलाता होगा। किसी को ऑफिस के लोग पसंद नहीं होंगे, किसी को अपने कॉलेज की फैकल्टी, और किसी को अपने कस्टमर्स। पर क्या आप रोजाना उनको हैंडल नहीं करते? हर रोज आप उन्हीं चीजों का सामना करते हो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। हमेशा लाइफ में पर्पस के पीछे भागो, पैशन के पीछे नहीं। बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं पैशन के पीछे, जैसे कि कई बच्चे UPSC की तैयारी करते हैं, सालों साल हर साल लगभग 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, और पता है पास कितने होते हैं? 0.2%, 1% से भी कम। और बाकी सब जो रह गए हैं ना, एंड में वही करेंगे जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए टाइम की इम्पोर्टेंस को समझो, जल्दी से जल्दी डिसीजन लो और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर दो। अगर दोस्तों अपनी लाइफ के सपनों को पूरा करना है तो इन 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो शायद कभी अपने एम तक आप नहीं पहुंच पाओगे। नंबर 1, सेक्रीफाइस योर कंफर्ट। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। सालों से एक ही जॉब में घिसवा रहे हैं, मन तो है बिजनेस करने का, पर क्या करे, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, तबीयत खराब रहती है। नहीं दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि आप बस कंफर्ट जोन में हो। ऐसे ही आप इन्वेस्टिंग में करते हो, शुरू ही नहीं करते, शुरू करते भी हो तो ढंग से नहीं करते। ये सब बहाने होते हैं जो आप अपने मन को ही समझाते रहते हो। प्लान एंड आइडियाज तो रोज बन जाते हैं, पर असली गेम होता है एग्जीक्यूशन का। आपने कैसे आइडिया पे काम करा है, कैसे रोज वही सेम काम बार बार करते हो और कैसे रोज रोज इम्प्रूव हो रहे हो, और आपको अपने इनकम का कुछ पार्ट अभी से ही स्टॉक मार्केट में अच्छे से रिसर्च करके अच्छे से स्टॉक देख के डालना पड़ेगा और पैसे सेव करना शुरू करना पड़ेगा। नंबर 2, टेक फर्स्ट स्टेप। 99.99% लोग फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेते, बस दिमाग में कैलकुलेशन चालू। एक कैफे खोलेंगे, दिन में इतनी सेल होगी, महीने की इतनी सेल होगी, उसमें से स्टाफ को इतना दे देंगे, तो कुल मिला के मेरे पास 2-3 लाख रुपए बच गए। पर लाखों में से एक बंदा ही शुरू कर पाएगा, क्योंकि उसने पहला कदम आप सबसे जल्दी ले लिया है और काम शुरू कर दिया है। आपने मेरी वीडियोस में सुना ही होगा कि कंपाउंडिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा तभी काम करता है जब आप जल्दी से जल्दी शुरू करो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी। तो आज जो SIP आप इतने सालों से प्लान कर रहे थे ना, उसको अभी करो। बाकी इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग सीखने का मन है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। नंबर 3,
डिसीजन मेकिंग, एक सिंपल डिसीजन मेकिंग फार्मूला जिसने मेरी लाइफ में बहुत हेल्प करी है, मैंने शायद इंटरनेट पे ही देखा था, उस फार्मूले का नाम है 10-10-10 रूल। फार्मूला इज सिंपल, यानी डिसीजन लेते हुए ये सोचो कि डिसीजन का इम्पैक्ट 10 मिनट बाद क्या होगा, 10 महीने बाद मुझे कैसे लगेगा अगर ये डिसीजन मैंने ले लिया तो, 10 सालों बाद क्या ये डिसीजन मेरी लाइफ को बदल सकता है। हमेशा लाइफ को एक फाइट की तरह जियो, और अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा ना तो उसको जरूर करो। दोस्तों, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, ना ही कोई स्कॉलर, ना ही कोई IIT, ना ही कोई अंबानी, अडानी या सलमान खान, मैं एक कॉमन मैन, हर एक उस इंसान की तरह जो ये वीडियो देख रहा है, एक हेल्दी और वेल्दी कॉमन मैन जो अपने चैनल से आपको सिखाएगा इन्वेस्टिंग के फंडे, हेल्थ की कुछ टिप्स और कुछ लाइफ लेसन। अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के साथ साथ फिट भी रहना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। वैसे मैंने अभी तक हेल्थ के बारे में कुछ बताया नहीं है अपने चैनल पे। अगर आप हेल्थ की भी कुछ टिप्स लेना चाहते हैं तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको भी अपने वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग दोस्तों।